बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के केस क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज बढ़कर 422 पर पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सवाल गंभीर है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। झांसी की तस्वीरें, जहां कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया। दावा है कि इसमें 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी हैं। आप देखिए किस तरह से इस जमावड़े में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। ना तो कोई मास्क पहना हुआ नजर आ रहा है, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर है। सवाल ये कि ऐसे हम कोरोना से कैसे लड़ेंगे। लखनऊ में ये मैराथन होनी थी, लेकिन वहां आयोजन की इजाजत नहीं मिली थी, और इसके बाद झांसी में आज सुबह ये आयोजन किया गया। तो ऐसे इवेंट्स सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में तब्दील हो सकते हैं। कुछ देर पहले डॉक्टर्स ने भी यही चिंता व्यक्त की है। यूपी के झांसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा लड़कियां एक साथ जुटी। लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी ने नारा दिया है, और इसी के तहत इस मैराथन का आयोजन आज सुबह किया गया। मैराथन दौड़ में 10,000 से ज्यादा लड़कियां एक साथ नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि डराने वाली है, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए, किसी ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में ये इवेंट्स सुपर स्प्रेडर इवेंट में तब्दील हो सकते हैं। अगर यहां किसी एक को भी ओमिक्रॉन होता है तो वो 6 times फास्टर तरीके से फैलता है, ये डॉक्टर्स भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जुड़ गए हैं, उनसे आइए हम बात कर लेते हैं। सिद्धार्थनाथ जी, कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस के कार्यक्रम में इस भीड़ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं वो एहतियात रखते हैं, मास्क उस पहने हैं, कोई दिक्कत नहीं फिर होनी चाहिए। और क्योंकि अभी ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश में एहतियात रखने के लिए कहा जा रहा है, उसका प्रवेश उस तरह से नहीं हुआ है, मगर जब भी एहतियात रखना है और आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता तो मैं नहीं कह सकता। वह प्रयास पूरा है कि ओमिक्रॉन ना आए, मगर सभी लोग एहतियात रखेंगे तो अच्छा रहे। यहाँ पर तो एहतियात नहीं बरता जा रहा है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, और आपने कहा कि मास्क का अगर इस्तेमाल हो रहा है, मास्क किसी ने नहीं पहना। तस्वीरें अगर आप देख रहे होंगे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, तो नहीं, आपका ध्यान होना चाहिए इस तरह की रैली पर। चलिए, अगर अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें सिद्धार्थनाथ सिंह जी, तो उनमें भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्या वो खतरनाक साबित नहीं हो सकती इस वक्त? देखिए, जो आपका अभी तक जो गाइडलाइंस है उसके मास्क के लिए है, जैसे आज भी प्रयागराज में रैली है, हमारी पूरी उम्मीद है, हमने 50,000 मास्क हर गेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखते हैं, तो प्रयास रहेगा कि आप सबको मास्क पहनाया जाए, और मंच से भी उसका हम लोग अपील करते रहेंगे। तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए सभी को, तो ये कोशिश जो भी आयोजक होगा उसको करनी चाहिए। सिद्धार्थ सिंह जी, क्योंकि अगर हम हर पार्टी की रैलियों की बात करें तो एक जैसी तस्वीर दिख रही है, किन्हीं किन्हीं रैलियों में नहीं होता है कोविड गाइडलाइंस का पालन, तो क्या ये संकट नहीं है? देखिए, इसीलिए तो अभी कोई वो मैंडेटरी रूल तो पास नहीं हुआ है किसी भी सरकार में, लेकिन ये आवश्यक हर जगह है, ये हम लोग के लिए भी है, रैली खाली आयोजक का नहीं होता, जनता भी है, सब लोग है, सबको मिलकर इसका पालन करना। जब भी लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं ये कोविड से, तो सभी को करना है और करना चाहिए। ठीक, सभी को पालन करना चाहिए। हालांकि अगर लोग इस तरह की रैलियों में जा रहे हैं तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर वो कर पाए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम, जहां प्रियंका गांधी ने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके पहले आज सुबह सुबह ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 10,000 से ज्यादा लड़कियां इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंची, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहां पर कोई भी आपको मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दौड़ में कोरोना नियमों का किस प्रकार से पालन नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसी ही तस्वीरें इलेक्शन की रैलियों में भी आपको नजर आएंगी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है।
आसपास काफी भीड़ रहती है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है और डॉक्टर्स का खुद ऐसा कहना है कि ये इवेंट्स सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार के साथ फैलता है, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस का ये बड़ा कार्यक्रम, 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी इस आयोजन में और कोई भी मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये संकट नहीं है क्या, खतरनाक नहीं है क्या ये? देखिए, कोरोना की गाइडलाइन का सबको पालन करना चाहिए। अगर लड़कियां डबल वैक्सीनेटेड हैं सारी की सारी और अगर आप उनके वैक्सीनेशन को देखेंगे तो वैक्सीनेटेड है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बात आपको पूछनी चाहिए। अगर इस तरीके की बात की शुरुआत डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर वो कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं, वो हो सकता है अगर कोई डबल वैक्सीनेटेड है तब भी। निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत बड़ी जगहों से करनी होगी। इसकी शुरुआत आपको नरेंद्र मोदी जी की रैलियों से भी सवाल कर रहे हैं ना सुरेंद्र जी, उनसे भी सवाल कर रहे हैं। अगर पार्टियां अपने हिसाब से अगर कदम उठाएंगी, अपने तरीके से कदम उठाएंगी तो बेहतर होगा ना हर पार्टी में, क्योंकि यही हाल है, हर पार्टी की रैलियों में यही हाल है। दो दो बातें जी हम बहुत स्पष्ट रूप से ईमानदारी से मानना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन हो और जिस समय से वो गाइडलाइन हो उसका पालन सारी पॉलिटिकल पार्टियों को करना चाहिए, कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सबको। लेकिन ये एक तरीके की बेईमानी हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल नहीं होगा, उनकी बड़ी बड़ी 10-10 लाख की रैलियां होंगी और यहाँ 10,000 बच्चियां डबल वैक्सीनेशन जुट गई है, उनसे क्या नाम सवाल किए जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, अगर कोरोना फैलता है तो बस क्या आरोप लगाते रहिएगा एक दूसरे के ऊपर कि आपने उनसे नहीं कहा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये आपका मानना है, मैंने तो कहा ना आपसे कि भारत सरकार जो गाइडलाइन दे उस गाइडलाइन का आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए और बिना किसी देखिए सुरेंद्र जी, हम अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। लोगों से हमारी यही अपील है कि वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस का कार्यक्रम झांसी में आयोजित हुआ, 10,000 से ज्यादा लड़कियां यहां पर जुटी, हालांकि कोई भी मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अगर पार्टियों के प्रवक्ताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने एक दूसरे पर सिर्फ आरोप ही लगाए हैं, हालांकि कितनी बड़ी गंभीर चिंता का विषय है शायद ये अभी कोई नहीं समझ। ABP News, आपको रखे आगे।